लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। प्रेशर डालने आया था इनको यह बताने के लिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस का। और मैं ये सारे पाकिस्तान के जो फैसला बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वाले इदारे हैं उनको भी बता रहा हूं कि ये तो मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हमारे पास तो वो हालात हो जाएंगे कि जब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरती है तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब सोवियत यूनियन की गिरी तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो हम तो आज उधर जा रहे हैं। तो मैं ये अपनी इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया। इलेक्शन तो इंशाल्लाह जब 9 महीने के बाद भी होंगे, जीतना तो हमने है। ये तो आप कभी जीत ही नहीं सकते, जीतना तो हमने है। लेकिन मुल्क की जरूरत आज इलेक्शन करवाना है।